जैन दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार एनडी अड्डा 24/7 पर। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका बड़ा भाई आदित्य तिवारी। वही रोजमर्रा के काम, 3 से 4 पढ़ेंगे ग्रामर, किया था नाउन, करेंगे उसकी प्रैक्टिस एक बार और उसके बाद शुरू करेंगे प्रोनाउन। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी मजे की बात, भैया आप सभी प्यारे प्यारे लल्ला लल्लियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। खूब खेलो होली दोस्तों के साथ, माता पिता के साथ, है ना, इज्जत दो, प्यार दो, किसी को परेशान ना करो, है ना, यही रो सभी ज्ञान देते हैं, हम भी दे रहे हैं तुमको। तो भैया होली खेलो, मजे करो, और हमारा जो फेवरेट त्यौहार है होली ही है। कुछ लोगों का दिवाली होता है लेकिन अपना होली है। तो जितने भी लोग हैं भैया जानते हैं हमारे बारे में, घर वर कहाँ है, तो मिठाई उठाई लेके, रंग वंग लेके आ जाएंगे, तो खेल लिया जाएगा। चलो पढ़ा जाए, चल है, चलो करते हैं भाई स्टार्ट। देखो अपन क्योंकि क्वेश्चन कराएंगे, आप लोग इसका तरीका सीखो बेटा, तरीका। जब हम पढ़ा रहे हैं तो आप करोगे क्या मेरे लाल, जब हम पढ़ा रहे हैं तो देखो पहले हम हट जाएंगे हर क्वेश्चन के पहले, तो आप रोकोगे अपने फ़ोन में, उसको स्टॉप करोगे, उसके बाद पहले खुद अटेम्प्ट करोगे, तब आकर के आगे बढ़ोगे। यही तरीका हर एक बच्चा अपनाएगा तो ही इसका मैक्सिमम आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। बात समझ में आ गई? नहीं समझ में आई फिर से बोल रहे हैं बेटा, वीडियो को पॉज करोगे, पहले खुद करने की कोशिश करोगे, जब कर लोगे फिर उसके बाद मैच करोगे, सही होगा तो अपने आप को शाबाशी देना, गलत होगा तो अपने आप को रेक्टिफाई करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। चलो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। वन ऑफ द प्रॉब्लम विद यू इज दैट यू डू नॉट कम इन टाइम। भैया तुम्हारे साथ एक समस्या है कि तुम टाइम पर नहीं आते। हिंदी नहीं जाननी अपने को भाई, अपने को केवल दिक्कत से मतलब। देखो बेटा एक फॉर्मेशन होता है वन ऑफ का, एक फॉर्मेशन किसका होता है, वन ऑफ का। वन ऑफ के बाद हमेशा क्या, कौन सी नाउन होती है बेटा, प्लूरल नाउन आती है। कौन सी नाउन होती है मेरे लल्ला, प्लूरल नाउन आती है। वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन, क्योंकि वन ऑफ किसी एक चीज किससे निकालोगे, एक से ज्यादा से ही निकालोगे ना। अब यहाँ पे 10 गेंदे हैं मेरे पास, अगर मेरे हाथ में, तो 10 में से एक गेंद निकालेंगे ना, मतलब वन ऑफ द 10 बॉल्स, यानी कि एक चीज निकाल लो जिससे वहां एक से ज्यादा चीजें होनी चाहिए, लॉजिकल है ना। रटन विद्या वाला काम नहीं है, रटन विद्या तो ये किताब में लिखा हुआ भैया कि वन ऑफ के साथ हमेशा प्लूरल नाउन आएगी, ठीक है। लेकिन अपने को क्या पता है भाई कि एक चीज जब किसी से निकाल रहे हो तो बेसिक सी बात है, एक से ज्यादा होंगी, वहीं से निकाल रहे हो, तो वन ऑफ द प्रॉब्लम्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वन ऑफ द प्रॉब्लम्स। आपको बात समझ में आ गई, ए ऑप्शन में इसकी समस्या है। कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी होगी बेटा कमेंट सेक्शन में लिख दिया जाएगा, ठीक है। चलो बढ़ जाएंगे आगे, देखेंगे इसको अपने आप से और ट्राई करेंगे। चलो ऑल द गर्ल स्टूडेंट्स, अच्छा भैया पूरा पढ़ लो, ऑफ द कॉलेज आर एडवाइज्ड टू सिट इन द गर्ल्स कॉमन रूम। अब देखो एक मजे की बात तुमको दिखाते हैं, ये लिखा है गर्ल्स कॉमन रूम, एक अगर ये होता है गर्ल्स कॉमन रूम, गर्ल्स कॉमन रूम, इसका मतलब क्या हो जाता है कि एक लड़की का कॉमन रूम, जो कि गलत था भाई, क्योंकि गर्ल्स कॉमन रूम का क्या मतलब है, जैसे कि आपने कभी देखा होगा अगर कहीं पे कि लड़के फुटबॉल खेलते हैं या क्रिकेट खेलते हैं तो उनका एक कॉमन रूम होता है, वहाँ पे लड़के जाते हैं, सारे कपड़े वपड़े उतारते हैं, अपना चेंज करते हैं, वैसे ही लड़कियां भी अगर कोई गेम खेलती हैं, रग्बी खेलती हैं, हॉकी खेलती हैं, कुछ भी खेलती हैं, तो भैया उनका एक रूम होता है। आपने देखा होगा ना कई सारी मूवीज़ में दिखाते हैं भैया कि जितने भी क्रिकेटर्स होते हैं, फुटबॉलर्स होते हैं, उनका एक रूम होता है, वहाँ पे जाकर कपड़े वपड़े उतार के नहा धो के एकदम फ्रेश होकर कपड़े वपड़े पहन के आते हैं वो, तो वही होता है कॉमन रूम, ठीक है ना। तो भैया गर्ल्स कॉमन रूम, एक लड़की का होता है तो गर्ल्स होता है, लेकिन जब हमने क्या बताया था बेटा, पोजेसिव जब हम पढ़ा रहे थे, पोजेशन पढ़ा रहे थे, अपोस्ट्रॉफी एस पढ़ा रहे थे, कि जब आप किसी प्लूरल चीज में, जब आप किसी प्लूरल नाउन का अपोस्ट्रॉफी लगाते हो ना, तो बस केवल अपोस्ट्रॉफी का साइन लगा देते हो, उसके बाद एस नहीं लगाते हो, तो यहां पे कोई दिक्कत नहीं निकालेगा कि भैया यहां पे गर्ल्स के आगे एस और लगाओ, नहीं, ठीक है। चलो एक तुमको बात बताई, अब ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट्स, बेटा मेरे बात समझो, यहाँ पे दा बोले तो आर्टिकल, आर्टिकल किसके लिए आता है बेटा, नाउन के लिए, तो तुमको पता चला स्टूडेंट्स क्या बेटा, नाउन है। कैसा नाउन है बेटा, तुमको ये भी पता चल गया कि एक कैसा नाउन, क्या कॉमन नाउन है, ठीक है। अब उसके बाद जब ये नाउन है तो ये गर्ल्स दो, अब तुम एक बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, वैसे तुम समझ गए होगे, यहाँ पे स्टूडेंट्स और गर्ल्स एक साथ दो नाउन कभी आते हैं, कभी देखा कभी दो नाउन आते हुए, नहीं आते बेटा, या तो कॉमन लगा के आए, लेकिन यहाँ पे दो नाउन एक साथ आए, ये नाउन नहीं है। द गर्ल स्टूडेंट्स, यहाँ पे गर्ल होगा, गर्ल्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बेटा, क्योंकि गर्ल यहाँ पर एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है, क्या बच्चे समझे, यहाँ पे गर्ल किसका काम कर रहा है, एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, विशेषता बता रहा है कि कौन से स्टूडेंट, भैया वो जो लड़कियां स्टूडेंट है उनकी बात हो रही है, जो लड़के हैं उनकी बात नहीं हो रही, सिर्फ लड़कियों की। तो जैसे कि हम बोलते हैं ना द कपिल शर्मा शो, आओ मजे की बात बताएं तुमको, कौन बताएगा तुमको, तुम्हारा भाई बताएगा, द कपिल शर्मा शो, द नाम हुआ करता ना उनका, द कपिल शर्मा शो। अब जब आप ये बोलते हो द कपिल शर्मा शो, तो आप कह दोगे भैया इसमें इतने जो ये लिखा हुआ है द कपिल शर्मा शो इज वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच, ठीक है, हमने एक सेंटेंस बना दिया भाई। अब अपन बोल रहे हैं कि द कपिल शर्मा शो में शो क्या है, तुमको पता चल गया द आया है, अब द कपिल शर्मा के लिए आया कि शो के लिए आया, तुमको पता है किसी का नाम एक प्रॉपर नाउन होता है भाई। अब जब नाम प्रॉपर नाउन होता है और यहाँ पे कपिल शर्मा भी एक नाउन है और यहाँ पे शो भी एक नाउन है, दो नाउन एक साथ आते नहीं, इसका मतलब कुछ तो झोल है भाई। तो झोल क्या है मेरे बच्चे, तुमको समझाते हैं मजे की बात, ये द आया है किसके लिए, शो के लिए, शो यहाँ पर क्या है, शो है यहाँ पर नाउन,
आओ अभी तुमको झटका लगने वाला है। और यहाँ पे कपिल शर्मा क्या भैया, कौन सा शो की बात कर रहे हो? कपिल शर्मा वाले शो की बात कर रहे हैं, कपिल शर्मा जिसमें कॉमेडी करता है अपनी मंडली को लेकर के, उस शो की बात कर रहे हैं। तो शो यहाँ पे नाउन, और कपिल शर्मा किसके बारे में बता रहा है? उस शो के बारे में बता रहा है जिसको कपिल शर्मा होस्ट करता है, जिसमें कपिल शर्मा कॉमेडी करता है। तो मेरे लाल, कपिल शर्मा यहाँ पर क्या है? एडजेक्टिव है। दिमाग हिल गया क्या? ये कैसे हो गया यार, प्रॉपर नाउन को एडजेक्टिव बोल रहे हैं भैया, क्या 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 मसला क्या है ये? अगर अभी भी मसला हसला लग रहा है तुमको, तो धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे, सब सीख जाएंगे, ठीक है ना। जितनी मजेदार चीजें हैं ना, उनको मजे से ही सीखा जाता है, आंखों में चमक के साथ। जब तुम पढ़ाई कर रहे हो ना, तुम्हारी आंखों में चमक होनी चाहिए। देख रहे हो अभी तुम हमारी आंखें देखो, कैमरा में जूम करके तुम्हें चमक दिखेगी। तो चमक जरूरी है, चमक बहुत जरूरी है। आगे तुम क्या बता रहे थे? ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट्स, बेटा बस यहीं पर समस्या है मेरे लाल। गर्ल्स स्टूडेंट्स नहीं होगा, स्टूडेंट्स तो ठीक है मेरा बच्चा, लेकिन गर्ल अपने आप में सिंगुलर रहेगा, प्लूरल नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? तुमको हमने अभी बताया कि भैया दो नाउन एक साथ नहीं आएंगे। एक नाउन जब आ गया है तो एक उसके पहले क्या करेगा भैया? एडजेक्टिव का काम करेगा, उसके बारे में बताएगा। क्या बोलती पब्लिक, बात समझ में आ रही? बढ़ते हैं ना आगे, काहे को वेट बचा रहे। चलो, द मेजोरिटी ऑफ द वुमन टीचर्स आर परसुएडिंग, क्या परसुएडिंग द प्रिंसिपल टू कंसीडर देयर डिमांड्स। अरे भैया जितनी भी महिला टीचर्स हैं, सब कह रही हैं कि हमारी डिमांड मांग लो। कुछ कर रही होंगी डिमांड में, छुट्टी बढ़ा दो, ये कर दो, वो कर दो। तो भैया इसको ट्राई करेंगे, द मेजोरिटी ऑफ द वुमन टीचर्स। अच्छा देखो, मेरे मुँह से गलती गलती में ही सही निकल जाता है, विमेन होगा बेटे। यहाँ पे देखो टीचर्स, यहाँ पे क्या है? टीचर्स। कौन सी टीचर्स है भैया? महिला टीचर्स हैं। तो जब टीचर यहाँ पे प्लूरल हो रखा है, जब टीचर यहाँ पे प्लूरल हो रखा है, तो यहाँ पे महिला कैसे हो सकता है? महिला नहीं ना हो सकता ना जी। यहाँ पे होगा क्या? विमेन टीचर्स, कंपाउंड नाउन, विमेन टीचर्स, ठीक है ना। ए में है समस्या, ठीक है। ये सबके सब तुम्हारे एसएससी में आए हुए हैं, कुछ बैंक में आए हुए हैं, इसलिए इनको बहुत ही ध्यान से करेंगे, क्योंकि आपके जो एनडीए के क्वेश्चन वो सीडीएस से पिकअप होते हैं, एसएससी से होते हैं, बैंक से पिकअप होते हैं, बस लेवल थोड़ा सा डाउन कर दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन उठ सकते हैं, ठीक है ना। जो 2018 में आया होगा बैंक में, क्या बताओ 2023 के पहले पेपर में कहाँ जाए? मेरे अल्लाह, तुम्हारे पेपर में आके गिर जाए, इसलिए बहुत ही ध्यान से देखेंगे। और अगर कोई तुमको डाउट रहता है तो तुम कमेंट सेक्शन में लिखो, भरो उसको, हम तुमको बताएंगे, लेकिन तुमको लिखना ही नहीं, इसका मतलब तुमको सब समझ में आ रहा है, यही समझते हैं। ही सेड दैट ही ऑलवेज केप्ट इन हिज पॉकेट अ बंडल ऑफ 100 रुपीज नोट्स। बेटा सब सही है, तुम देख लो, तुमको समस्या मिल गई। बेटा तुमको मिल गया, नोट्स क्या है? नोट्स है भाई, अब 100, हाँ ठीक है। नोट्स क्या भैया? नोट्स तुम्हारा नाउन है, नोट्स तुम्हारा नाउन है। अब यहाँ पे रुपीज, अगर हम तुमसे बोलें गिव मी 500 रुपीज, अगर मैं तुमसे एक सेंटेंस बोल दूं मेरे लल्ला कि गिव मी 500 रुपीज, ठीक है, और दूसरा सेंटेंस मैं तुमको बोल दूं गिव मी 500 रुपीज नोट्स या नोट। भैया एक नोट मांग रहे हैं ना हमको, 500 दे दो, एक 500 दिखा दो भैया, हरी पत्ती निकाल दो धीरे से, गुलाबी पत्ती 2000, हरी पत्ती 500, हरी पत्ती है ना 500, और एक वो अजीब गरीब कलर है यार, उसका 200 रुपये कौन सा कलर होता है? पीला पीला सा होता है ना, अभी जेब में पड़ा नहीं है मेरे। चलो, गिव मी 500 रुपीज और गिव मी 500 रुपीज नोट, बेटा इतने से तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और नहीं हुआ तो फिर मामला गड़बड़ है गुरु, लेकिन तुम्हारा मामला गड़बड़ नहीं, तुम टेंशन नहीं लेने का। चलो, गिव मी 500 रुपीज, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि भैया यहाँ पे रुपीज क्या है? यहाँ पे रुपीज अपने आप में नाउन है, तो भैया नाउन में तुम एसआईएस लगा करके उसका प्लूरल बना सकते हो। नाउन ही वो चीज है जिसका तुम सिंगुलर और प्लूरल बना सकते हो, बाकी क्या वर्ब का बनता है क्या? बाकी क्या आहा आहा प्लूरल का प्रोनाउन का बनता है क्या? एडजेक्टिव का बनता है क्या? नहीं बनता है, केवल नाउन का बनता है। अगला देख लो, ये वाला सेंटेंस सही है, गिव मी 500 रुपीज नोट। अब बेटा जब यहाँ पे नोट है, नोट क्या है यहाँ पर? नोट अपने आप में एक नाउन है, नोट अपने आप में एक नाउन है, और दो नाउन एक दूसरे के अगल बगल सटा दिए भाई, दोनों एक दूसरे को ऐसे से करें किचमिच किचमिच, उनको मजा नहीं आएगी साथ में, तो भैया उसको एक नाउन को बनना पड़ जाएगा क्या? एडजेक्टिव। और जब ये एडजेक्टिव बने, हाँ एडजेक्टिव नहीं बोलेंगे, एडजेक्टिव स्टाइल मारना अपन को, ठीक है ना। तो इसमें से एस हट जाएगा, क्या बच जाएगा? गिव मी 500 रुपी नोट। बात समझ में आ रही पब्लिक को? तो लिख दो बोथ हार्ट। चलो, रुपी नोट हो जाएगा बच्चे, और ये आपका सेंटेंस हो जाएगा सही। यहाँ से एस हटाना पड़ेगा, सेम दिक्कत यहाँ पर आ रही मेरे लाल कि भैया क्या मांग रहे हैं? अब बंडल मांग रहे, गड्डी चाहिए, मैंने नन्ना लखा दिला दे, ठीक है ना। अब बंडल ऑफ 100 रुपीज नोट, तो मेरे लल्ला यहाँ पे एस नहीं ना आएगा। क्यों नहीं ना आएगा? क्योंकि भैया एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं ना बनता जी। प्लूरल किसका बनता? प्लूरल बनता है नाउन का, प्लूरल बनता है केवल नाउन का, और किसी का नहीं बनता है जी, ठीक है ना। चलो, बात समझ गई पब्लिक, पब्लिक समझ गई तो बस अपन खुश है। अगला बताएंगे, अगला लिखा है ही गेव मी टू इंपॉर्टेंट। अरे भैया बहुत बार रिपीट हो गया, बिल्कुल समय वेस्ट नहीं करेंगे। इन्फॉर्मेशन क्या है भैया? इन्फॉर्मेशन तुम्हारी कौन सी नाउन है?
इन्फॉर्मेशन तुम्हारी कैसी वाली नाउन है बेटा, तुम्हारी अनकाउंटेबल नाउन है। एक होती है काउंटेबल नाउन, एक होती है अनकाउंटेबल नाउन। तो जो अनकाउंटेबल नाउन होती है उसके साथ एक ही समस्या, क्या समस्या, कि भैया अनकाउंटेबल नाउन का अपन प्लूरल नहीं बना सकते, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ अपन आर्टिकल नहीं लगा सकते, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ अपन मैनी नहीं यूज कर सकते। क्यों? क्योंकि भैया मैनी यूज होता है जिनको गिन सकते हैं, रोकड़ा गिन सकते भैया, है ना, 10 के नोट, एज मैनी एज 15 नोट्स, ठीक है ना। अच्छा तुमको एक एकदम से स्पोकन इंग्लिश का हमको याद आ गया, बोलते नहीं है उसने मुझे पांच पांच चाटे मारे, उसने मुझे पांच पांच पेन दे दिए, he gave me 5-5 पेन। ऐसे बोलोगे हिंदी में तो बोल देते हो, अरे भैया वो आए थे 500 के नोट, 500 के नोट, ठीक है ना। या फिर उसने मुझे पांच पांच चाटे मारे, मारा पांच ही है लेकिन हम लोग एग्जैजरेट करते हैं ना इस बात को, अरे पांच पांच चाटे मारे भाई, लड़के खड़े थे एकदम सड़ाफड़ मचा दिया पांच पांच चाटे मार के। तो भैया ही स्लैप्ड एज मैनी एज, हाँ हाँ यही है, यही है, पकड़ के रखना भैया इसको, एज मैनी एज, यही यूज होता है जब तुमको बोलना होता है कि भैया उसके पास उसकी जेब में 10-10 पॉकेट है भैया, 10-10 पॉकेट। लड़कियां नहीं होती भैया जिसको 10-15 को टहलाना होता है, तो भैया एक यहाँ पे पॉकेट, एक यहाँ पे पॉकेट, एक दो पीछे पॉकेट, दो यहाँ पॉकेट, एक यहाँ पॉकेट, एक यहाँ पॉकेट, पॉकेट ही पॉकेट भैया, सब में अलग अलग फोन है। हाँ इधर ऋतु, इधर से साकेत, इधर से अनुलोम, इधर से अनुभव, इधर से अभिषेक, सबके अलग अलग नंबर आ रहे हैं। तो भैया दैट गर्ल हैज एज मैनी एज 10 पॉकेट्स, क्या बोलेंगे हिंदी में तो, अरे भैया उसके कपड़े में 10-10 जेबें हैं, 10-10 जेबें। लेकिन अंग्रेजी में नहीं बोलोगे ना, ही हैज या शी हैज 10-10 जेब्स, 10-10 पॉकेट्स, गलत हो जाएगा ना भाई, लैंग्वेज लैंग्वेज का खेल है। तो क्या बोलोगे अंग्रेजी में, अंग्रेजी में बोलोगे शी हैज एज मैनी एज 10 पॉकेट्स, ठीक है ना। ही गेव मी एज मैनी एज 9 अटेम्प्ट, उसने 9 अटेम्प्ट दिए हैं एसएसबी के, तुम्हारा भाई भी दिए बैठा है, तो बोल सकते हो योर भाई हैज गिवन एज मैनी एज 9 अटेम्प्ट्स, ठीक है ना, इन एसएसबी। चलो ये बात समझ में आ गई, इन्फॉर्मेशन के वहां पे दिक्कत है, तुम्हें यहाँ पे एस हटा दो, क्यों हटा दोगे, तुमको पता है इन्फॉर्मेशन है अनकाउंटेबल, बढ़ते ना अपन पब्लिक आगे, काय को समय खोटी करने का मांगता, जो नई नई चीजें सिखाए उसको सीखा करो मन से। द क्लास टीचर गेव हिम अ होमवर्क, बेटा बिल्कुल लोलू सवाल है, यहाँ पे वर्क लगा है, वर्क हमने तुमको क्या बताया, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल के साथ के क्या नहीं होता बेटा, ये तो एक्स एस नहीं लगा सकते, गलत हो जाएगा, इसमें आर्टिकल नहीं लगा सकते, यहाँ लगा दिया है ए, यहाँ पे ए लगा के इनने गलती कर दी, इनने सोचा कि हम वर्क के पहले लगा देंगे होम, तो आदमी हो जाएगा कन्फ्यूज, भूल गए यार भाई के दोस्त हैं, भाई के छोटे भाई लोग हैं, हैं भाई के छोटे भाई बहन लोग हैं, अपन लोग गलती नहीं करना मांगता पब्लिक, है ना, भूल गए थे ये लोग पेपर सेट करने वाले, पेपर में जब तुम्हारे सामने आएंगे ना, तुमको हम बता रहे हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स रह चुके हैं ना, अब वो पढ़ा रहे हैं इंग्लिश हमसे पढ़ करके, अब वो पढ़ा रहे हैं जब भी उनके एग्जाम होते हैं ना, मतलब ऐसे खट खट करके आते हैं, खट खट, और ये हम बढ़ाने के लिए नहीं बोल रहे हैं कि भैया हमारी पूजा करो, बात सच बता रहे हैं तुमको। अब वही बात है कि अब हर एक स्टूडेंट को यहाँ लाकर खड़ा नहीं कर देंगे, हाँ बेटा चलो महिमा मंडन गाओ मेरा, वो अपन को पता होता है ना, तो इस तरीके से निकाल रहे हैं ना कि भैया NDA, CDS, CGL, ठीक है, और बैंक, बैंक तो थोड़ा हाई हो जाएगा, बैंक को हम नहीं लपेटेंगे अपने लपेटे में, उसके लिए हमको थोड़ा और ऊपर लेवल जाना पड़ेगा, लेकिन SSC, CGL, SSC, CHSL, SSC, CPO, SSC का जितना तुम्हारा ताम झाम लेन ताम है, रेलवे हो गया तुम्हारा, है ना, NDA, CDS तो एकदम जेब में है, इससे ये जैसे जेब से निकालते ना, इसे अरे बटुआ निकला, इसे जेब में रखते हैं उसकी अंग्रेजी, और हम क्या रखते हैं यार, जिसने भी 10-15 अटेम्प्ट दिए हैं, जिसने भी कई सालों से पेपर का एनालिसिस किया है, वो हर व्यक्ति रखता है, लेकिन बस बात वही पढ़ाने पे आ जाता है, पता होना और उस चीज को बता पाने में अंतर है ना। चलो बहुत हो गई तारीफ, आगे, आई सॉ ओनली 5 पुलिस, अरे बेटा 5 पुलिस क्या होता है, पुलिस मैन होता है ना, पुलिस मैन होता है, इसमें तो कोई समस्या नहीं होगी, पुलिस मैन होता है। चलो बढ़ जाएंगे आगे बिना समय गंवाए, अगला है द वॉल ऑफ दिस मैग्निफिशेंट बिल्डिंग इज 50, अच्छा देखो भैया 50 लगाए, 50 के आगे क्या आएगा, 1 फुट होता है, 1 फुट है ना, 1 फुट, क्योंकि फुट कौन सा होता है भैया, फुट होता है तुम्हारा सिंगुलर, फुट क्या होता है मेरे लल्ला, फुट होता है तुम्हारा सिंगुलर, और वहीं पे अगर बोलना हो 40 तो 40 फुट नहीं होगा ना, 40 फीट हो जाएगा, क्योंकि फीट क्या होता है बेटा, प्लूरल होता है, क्या होता है मेरे लल्ला, प्लूरल होता है, बस तुम बात समझ गए, यहाँ पे फुट नहीं आएगा, आएगा क्या, फीट। क्या है मृत्यु, दुश्मन से डर के भागना ही मृत्यु है, ए हो गया, ये बी हो गया, सी में है पार्ट, कौन सी मूवी, बाहुबली। चलो अगला बताएंगे मेरे लल्ला, चलो अरे बढ़ जा मेरे लाल आंगे, 9 वर्ड, अरे बेटा बता चुके हैं वर्ड्स, वर्ड्स पोएट्रीज, पोएट्रीज तुमको बता चुके ना, टाइम नहीं वेस्ट करें, पोएम्स हो जाएगा ये, क्यों हो जाएगा, क्योंकि तुमको पता है पोएम जो होती है उसका मतलब होता है कविता, और पोएट्री का मतलब होता है कविता लिखने की कला, और कला एक तरीके की क्या, अनकाउंटेबल, कला को तुम गिन नहीं सकते, तो बस तुम बात समझ गए, बढ़ जाओगे, कई बार आ चुका है। अगला बताओ, ये अच्छा है बेटे, ये अच्छा है, यहाँ पे तुमको वोकैब की नॉलेज चेक की जा रही है तुम्हारी, एक चीज होती है बेटा ऑफ स्प्रिंग, ऑफ स्प्रिंग, ऑफ स्प्रिंग का मतलब होता है संतान हिंदी में,
अंग्रेजी मीडियम वालों को क्या बोलेंगे, बेटा सन हो गया या डॉटर हो गया, उसका मतलब होता है ऑफ स्प्रिंग। तो ये जो तुम्हारा ऑफ स्प्रिंग है ना, ये बेटा हमेशा सिंगुलर में ही यूज किया जाता है, इसका कभी भी प्लूरल बनता ही नहीं है, तो इसका ऑफ स्प्रिंग्स नहीं होगा, ठीक है ना, इसका ऑफ स्प्रिंग होगा और बी में है समस्या। चलो एक बार सेंटेंस भी पढ़ लेते हैं। व्हेन यू सी हिज ऑफ स्प्रिंग यू कांट बिलीव दैट ही इज अबव 70। भैया जब तुम उसके बच्चे को, जब तुम उसकी संतान को देखोगे ना, तुम समझोगे ही नहीं, तुम सोच ही नहीं सकते कि वो 70 के ऊपर हो गया। होगा भैया कोई क्या बोलते हैं सलमान खान टाइप या फिर अनिल कपूर टाइप व्यक्ति, है ना, महेश बाबू टाइप, कि भैया 60 के हो गए लेकिन अभी भी 30 के लग रहे हैं, तो उनका बच्चा देख के लगेगा अरे यार ये तो इतना बड़ा लड़का है, इनका 70 साल के होंगे, ऐसा कुछ, ठीक है ना। ऑफ स्प्रिंग का मतलब क्या समझे, ऑफ स्प्रिंग का मतलब होता है संतान। चलो अब मजे की बात बताते हैं तुमको, जितने बच्चे अभी, अब जल्दी करना बेटा क्योंकि अब हम इसको दिखाना कर देंगे बंद, क्योंकि अब समय बचा नहीं है तुम्हारे पास। तुम्हारा 8 तारीख को होली और 16 तारीख को पेपर है, एक महीना बचा है। एक महीने में अगर कुछ ताबड़तोड़ कुछ ऐसा सोच रहे हो कि कुछ तुक्का लग जाए, कुछ ऐसा हो जाए जीवन में कि भैया पेपर निकल जाए, हम तुमको बेटा वादे के साथ कह रहे हैं इन आंखों में देखो कि एक महीने में भी पढ़ के एनडीए निकाला जा सकता है, लेकिन वो फिर हल्के में नहीं जाएगा बेटा, फिर एक दिन में 8-8, 9-9 घंटे लगेंगे तुम्हारे, प्रैक्टिस लगेगी तुम्हारी, ठीक है ना। वो अगर करने के लिए तुम तैयार हो, सिर्फ अगर वो करने के लिए तैयार हो, तो अपना पैसा तुम यहाँ डालना, कहाँ पर, विक्रम 2.0 बैच में, जहाँ पर तुमको मिलेंगे ये 5 कलंदर लोग और उन सब में से महानतम आदित्य तिवारी, जो खुद की बड़ाई मारा करते हैं, मजाक कर रहे हैं। चलो आगे, अगर तुमको इसको अवेल करना है तो इसको अवेल करने के लिए जाना कहाँ पड़ेगा बेटा, जाना पड़ेगा अड्डा 24/7 के वेबसाइट पर। जाओगे गूगल खोलोगे, अड्डा 24/7 डालोगे, ऑल कोर्सेज पे जाओगे, वहाँ पे दिखा रहा होगा ऑल कोर्सेज में, नीचे आके आ जाओगे डिफेंस में, उधर दिखाएगा तुमको क्या अंडर ग्रेजुएट में जब तुम जाओगे तो तुमको दिखाएगा विक्रम 2.0 बैच, वहां पर जब तुम जाओगे तो तुमको दिखाएगा बेटा 2100 रुपया कि भैया इतने रुपया दोगे तो तुमको मिलेगा बैच, लेकिन नहीं, तुम्हारा भाई है ना, क्या बोलती पब्लिक, Y743 इस वाले कोड को लगाओगे 17% का ऑफ पाओगे और हंसी हंसी रसगुल्ला खाओगे और आगे मिलेगा क्या भैया 22 तारीख से तुम्हारी क्लासेस शुरू होनी थी लेकिन तब भी हमने 25 से क्लासेस शुरू की हैं। और मेरे लल्ला लोगों, अगर अभी भी तुम इनरोल कर लेते हो पिछली 7-8 दिन की, बस तुम क्लास पढ़ लो अपने आप से, तुम एकदम रफ्तार पकड़ोगे बेटा पेपर में। बाकी जिसके अंदर क्षमता है, कैलिबर है कि हाँ भैया हम कर सकते हैं, क्योंकि इस समय करने के लिए हमारे को पता है कि हम क्या दे देंगे, इससे पेपर निकल आएगा, लेकिन तुमको भी पढ़ना पड़ेगा, तुमको भी जी जान लगानी पड़ेगी, बात समझ रही है पब्लिक, अगला बताएंगे। चलो, व्हेन ही रिटर्न फ्रॉम अमेरिका इन्फॉर्म्ड मी, भैया अमेरिका से जब वो आया, पंजाबी क्या बोलते हैं कैनेडा को, अपन लोग क्या बोलते हैं कैनेडा, वो क्या कनेडा, अब मेरा प्योगे है कनेडा के नाल, है ना। तो भैया व्हेन ही रिटर्न फ्रॉम अमेरिका, अमेरिका बोलते हैं पंजाबी, व्हेन ही रिटर्न फ्रॉम अमेरिका इन्फॉर्म मी दैट ही हैड कम हियर काहे के लिए, टू डू एन अर्जेंट वर्क, फिर वही बात, वर्क लगा दिया, इनने सोचा अर्जेंट लगा देंगे तो हमारी आंखों को दिखाई नहीं देगा, अरे बिना चश्मे की आंखें 6x6 एकदम फटाफट चलता है, एन नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा भैया, वर्क तुम्हारा अनकाउंटेबल, लॉन्ग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, दोबारा रिपीटेड है। चलो, द इशूज आर वेरी कॉम्प्लेक्स एंड द प्रॉब्लम इज दैट दे आर बाउंड टू बी ऑब्सक्योर्ड बाई दीज हाइपोक्रिटिकल पॉलिटिशियन, क्या बोलती पब्लिक, तुम ना कुछ गलती निकाल दोगे, लेकिन इसमें कोई गलती है नहीं, क्योंकि तुम्हारी आंखों में बसा है कि जब क्वेश्चन सामने आएगा तो अपन को गलती तो निकालनी, कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल सही है, इश्यूज आर वेरी कॉम्प्लेक्स, जो मुद्दे हैं बड़े कॉम्प्लेक्स हैं, बड़े जटिल हैं, एंड और द प्रॉब्लम इज दैट, और समस्या ये है, दे आर बाउंड टू बी ऑब्सक्योर्ड बाय दीज हिपोक्रिटिकल पॉलिटिशियंस, और ये इन हिपोक्रिट पॉलिटिशियंस के घेरे में ही रहने वाले हैं। चलो अगला देखते हैं, दीज टाइप ऑफ बुक्स, अच्छा यहाँ पे तुमने दीज लिख दिया, फिर उसके आगे एक नाउन डाला, वो भी प्लूरल, ये तो हम बोल सकते हैं दिस टाइप ऑफ बुक, क्या बोल सकते हैं बच्चे, हम बोल सकते हैं दिस टाइप ऑफ फलाने माँ का, जो भी लिख लो, अब यहां तुमने लगा दिया दीज होता है प्लूरल, तो दीज के आगे तुम टाइप थोड़े यूज करोगे, दीज के आगे तुम करोगे टाइप्स, दीज टाइप्स ऑफ बॉयज, दीज टाइप्स ऑफ बुक्स, दीज टाइप्स ऑफ चेयर्स, है ना, दीज टाइप्स हो जाओगे, दिस टाइप और दीज टाइप्स, बेसिक है ये, तो इसके लिए हमें नहीं लगता हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, दीज टाइप्स, और फिर भी अगर समझ नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, बस आपको थोड़ी सी, नहीं तुम लोग तो बहुत ज़्यादा थकेले लोग हो ना, तुमको तो वहाँ पे कमेंट करने में दिक्कत हो गया, अरे छोड़ो यार कौन करे, थोड़ा अपने लिए जागरूक बनो, जागरूक रहो, जागो। आई हैव नेवर सीन सच एज लवली एज, अच्छा देखो बेटा ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में डाल के रखते हैं, देखो तुमको पढ़ाया गया है क्या स्पेक्टेकल्स, देखो मेरे बच्चे स्पेक्टेकल्स, बेटा स्पेक्टेकल्स हमने तुमको क्या पढ़ा, स्पेक्टेकल्स का मतलब होता है तुम्हारे चश्मा को हम क्या बोलते हैं स्पेक्टेकल्स, और तुमको ये भी पता है स्पेक्टेकल्स का यूज स्पेक्टेकल्स ही होता है, लेकिन एक और शब्द होता है स्पेक्टेकल, क्या शब्द होता है
स्पेक्टेकल, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब लिख लो विस्टा, पेपर में आया हुआ है बेटा सिनोनिम में, विस्टा। विस्टा का मतलब क्या होता है? विस्टा का मतलब नजारे हम क्या देखें, ठीक है, नजारा, नजारे लिख दिया। नजारे को अपन क्या बोलते हैं? स्पेक्टेकल बोलते हैं, नजारा, है ना, जब कहीं का देखने में बड़ा अच्छा लगता है उसको हम नजारा बोलते हैं। तो बेटा क्या बोल रहा है? सेंटेंस पढ़ के पता चलेगा कि चश्मे की बात कर रहा है या किसी सुंदर दृश्य, मनोहर दृश्य की बात कर रहा है। ये तुमको किससे पता चलेगा? सेंटेंस देख कर मालूम होगा। आई हैव नेवर सीन, मैंने कभी नहीं देखा है सच एज लवली स्पेक्टेकल्स, ऐसा चश्मा या ऐसा नजारा। आगे बढ़ते हैं, इन माई लाइफ, अपने जीवन में, सेड द पासर बाई, बेटे पासर बाई होता है राहगीर, पासर बाई होता है राहगीर। अगर पासर बाई का तुमको बनाना है प्लूरल तो क्या बनाओगे? पासर बाईज, लपड़ पड़ेगा उड़ता हुआ, पासर्स बाई, ठीक है ना, जो चीफ वर्ड होता है उसमें हम करते हैं प्लूरल। तो बच्चे देखो, जो राहगीर है, राहगीर चलते चलते चश्मा तो देखेगा नहीं, अरे यार क्या चश्मा है, नहीं रे, वो क्या कहेगा? यार क्या नजारा है यार, हिमालय की चोटियां कितनी प्यारी लग रही, कितनी मनोरम, कितनी विशाल, कितनी मेमथ, कितनी मैग्निफिशेंट लग रही है। समझे बात को? थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाने को मांगता है, ठीक है ना आशिक लोगों। तो भैया यहाँ पे क्या दिक्कत है? स्पेक्टेकल्स नहीं होगा, स्पेक्टेकल होगा, क्योंकि भैया स्पेक्टेकल्स होता है चश्मा, हमें यहाँ पे चाहिए नजारा, कि भैया हमने ऐसा नजारा कभी नहीं देखा है। कौन बोलता है? ये बोलता है हमारा प्यारा, कौन हमारा प्यारा? हमारा प्यारा राहगीर। कोई समस्या, परेशानी, दिक्कत होगी तो बच्चा लोग कमेंट करेंगे और क्या करेंगे। चलो अगला बताएंगे। ओइंग टू हिज हैवी एंगेजमेंट ही कुड नॉट राइट इवन द 2/3 ऑफ द बुक। बेटा जब तुम किसी चीज का पहले का 1/3, 1/3, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, जान लो, 1/3 बोलते हो, एक का भाग है सिंगुलर रहेगा लेकिन दो का भाग ज्यादा हो जाता है, 1/3। 2/3 को तुम क्या बोलोगे? 2/3 को बोलोगे 2/3, 2/3, बेटा याद यही रखना है। 3/4 को क्या बोलोगे? 3/4, कुछ भी बोल लो, मतलब 3/4, ठीक है। 2/4 को क्या बोलोगे? 2/4। 1/4 को 1/4। चलो जरा कलर वलर बदले, थोड़ा थोड़ा मेहंदी मेहंदी बनाई जाए, रंगीन, तो कौन सा कलर ले, ये ले लेते हैं। चलो देखो, जब तुम वन की बात करते हो तो भैया एस नहीं आएगा, क्योंकि एक का भाग है, एक का भाग है इसका मतलब सिंगुलर रहेगा, लेकिन जब दो की बात, 2/3 हो जाएगा, है ना, 2/5 हो जाएगा, 2/6 हो जाएगा, मतलब 2/3, 2/7, 2/7 भाग, 2/8 भाग, मतलब क्यों, एक से तो ज़्यादा ही होगा ना तब भी। चलो 3/4, ठीक है, 3/4, 1/4 होगा वहीं पर, ठीक है, 2/4, बात समझ गए। वन जब भी आएगा, 1/3, 1/2, वो सब ठीक है, लेकिन अगर जब भी 2 करोगे, 2, 3, 4, एक से ज़्यादा जब भी जाओगे उसका ट्राइस, थ्राइस या 3/4, उन सब में एस लगेगा, ठीक है ना, वो सारे के सारे प्लूरल में बनाए जाएंगे, ठीक है, ये बात अपने भेजे में एकदम सटा लो। तो भैया यहाँ पे क्या आया है? नॉट राइट इवन 2/3, 2/3 में ही समस्या है मेरे लल्ला। यहाँ पे हो क्या जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 2/3, 2/3। चलो तुमको बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई तो बोलो हाँ आ गई बात समझ। चलो बढ़ते हैं आगे, बढ़ जाएं आगे। चलो देखो बच्चे, इट इज हार्मफुल टू टेक कप फुल ऑफ टी 5 times a day। बेटा 5 बार ले रहे हो तो कप फुल नहीं होगा, कप्स फुल होगा। क्या होगा? दो तरीके से बनता है, एक होता है कप्स फुल और एक होता है कप फुल्स। जब शुरुआत हुआ था तब ये वाला बनता था कप्स फुल, ठीक है ना, क्योंकि बीच में हाइफन होता था, लेकिन अब इसका यूज नहीं होता। अब किसका यूज होता है? अब होता है यूज कप फुल्स का। तो यहाँ पे एस लगा दोगे और आपका सेंटेंस सही हो जाएगा, लेकिन आपको सेंटेंस सही नहीं करना है, आपको बताना है किस पार्ट में एरर है। तो एरर है पार्ट बी में। कोई समस्या, परेशानी, गिला सिकवा होगी तो आप बताएंगे, नहीं होगी तो लड्डू खा के होली में एकदम भांग वांग बिना खाए खेलेंगे, लोगों से मिल करके आएंगे ना, एक दिन की छुट्टी ले लेना, ये वीडियो भले बाद में देखना तुम होली के, पता नहीं कब देख रहे हो, ठीक है, एक दिन की छुट्टी ले लेना, है ना, लोगों से मिलना जाकर, जितने रिश्तेदार हैं ना अड़ोस पड़ोस में, जितने दोस्त हैं सबके पास जाना, गुलाल के 2-4 पैकेट लेकर के, ठीक है ना, उनको टीका लगाना, उनके पैर छूना, आशीर्वाद लेना, उनको बताना कि कैसे हो और उनसे पूछना कि आप कैसे हैं, है ना, मौके मत चूकने दो, लोगों से अपने आप को कनेक्ट करके रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो लेकिन इतना ही जितना जरूरी है, ये भी नहीं कि घुस रहे हो, लबर लबर भी नहीं करना। चलो द ब्रदर्स ऑफ थर्ड, अच्छा ब्रदर्स लिखा है, बेटा दिक्कत तुम्हारी यही है, ब्रदर, एक होता है ब्रदर, एक होता है ब्रदर, ब्रदर मतलब हो गया भाई, जब इसका आप बनाते हो, और एक होता है ब्रदरिन, क्या होता है ब्रदरिन, कहाँ भाई ब्रदरिन, BRETHREN,
बेटा भाई कौन होता है? भाई होता है जिससे तुम्हारा खून का रिश्ता होता है, खून तुम्हारा ऐसे होता है, खून की बूंद बना दी हमने, क्या ये खून की बूंद है? तुम्हारा जो भाई होता है उससे तुम्हारा खून का रिश्ता होता है। ब्रदरन क्या होता है? जिसको तुम भाई बोलते हो, अरे ये तो सड़ा भाई है, सड़ा मित्रा, सड़ा भाई, तो उसको तुम ब्रदरन बोलोगे। हालांकि ब्रो बोलते हैं अपन लोग ब्रो, लेकिन अंग्रेजी, शुद्ध अंग्रेजी जो मानती है, शुद्ध इंग्लिश जो मानती है, उसको ब्रदरन बोलती है। और ब्रदरन का प्लूरल भी ब्रदरन ही होता है, ठीक है, भाई बंधु ब्रदरन ही होते हैं, ब्रदरन्स नहीं होता, यहाँ पे एस नहीं आएगा, बाकी ए पार्ट में समस्या है, ये समझ गया। ब्रदर होता है तुम्हारा खून वाला, ठीक है ना, जैसे कि एल्डर और यंगर, एल्डर और ओल्डर, इसमें तुमको हम अंतर बताते हैं। एक बोलते हैं सी इज माई एल्डर सिस्टर या एल्डर ब्रदर, ठीक है, और एक हम बोलते हैं भैया हमारा ओल्डर, दोनों का मतलब होता है बड़ा, ओल्डर सिस्टर या ओल्डर ब्रदर, ठीक है, दोनों का मतलब क्या होता है? दोनों का मतलब बड़े से ही होता है। तो फिर कह दो अंतर क्या है बेटा? एल्डर का मतलब होता है कि भैया आपका खून का रिश्ता है, जैसे कि मेरा बड़ा भाई है ना जो कि एयरफोर्स में, अगर हम बोले ही इज माई ओल्डर ब्रदर तो बेटा गलत हो जाएगा, क्योंकि वो मेरा खून का रिश्ता है उनसे, हम दोनों एक ही माता पिता की संतानें हैं, तो क्या होगा? ही इज माई एल्डर ब्रदर, सिस्टर तो है ही नहीं हमारी बाकी, तो एल्डर ब्रदर, ठीक है ना। और ओल्डर ब्रदर क्या होगा? अगर कोई व्यक्ति हमारा बस कहने के लिए बड़े हैं हमसे, चाचा के लड़के, मामा के लड़के, ताऊ के लड़के, या कोई बड़े भैया हैं उनको बोलोगे तो बोलोगे ओल्डर ब्रदर है। एल्डर और ओल्डर मतलब समझ गए, एल्डर खून का रिश्ता, ओल्डर जहाँ पे खून का रिश्ता नहीं है, जहाँ पे सिर्फ बड़ भैया बोलने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ब्रदर इन से ऐसे हटा दो। अगला देखते हैं बच्चे, द सीनरीज, बेटा बार बार पढ़ाया सीनरीज नहीं होता है, सीनरी होता है, क्यों होता है ये भी बताया भैया, नज़ारे क्या? तुम ये थोड़े बोलोगे मैंने नज़ारे देखे, हिंदी में नज़ारे होते हैं, इंग्लिश में सीनरी बोले तो नज़ारा है ना, दृश्य, मनोहर दृश्य, दृश्य को दृश्यों नहीं कर सकते है ना, दृश्य मूवी देखे हो, दृश्यम जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो छुपा लिया जाता है। चलो पढ़ते हैं आगे, ही हैज ऑर्डर्ड ब्रिक्स, बेटा देखो ब्रिक जो तुम्हारी ईंट होती है ना, ब्रिक, BRICK, बच्चा इसका प्लूरल नहीं बनता है, ब्रिक ईंट जो होती है ना उसको बोलते क्या है, अ पीस ऑफ ब्रिक, ठीक है। अगर तुम बोलना 10 pieces ऑफ ब्रिक चाहिए हमको, हिंदी में तो बोलते 10 ईंटें लेकर के आओ, और ईंट को इंग्लिश में ब्रिक बोलते हैं, लेकिन ईंटों को भी ब्रिक ही बोलते हैं, ठीक है ना। कहीं पे ईंटों का गठा नहीं जमा देते हम लोग, एक के ऊपर ऐसे चौको टाइप बना, उसको क्या बोलते हैं, कंपाइलेशन ऑफ ब्रिक, ठीक है ना, कंपाइलेशन ऑफ ब्रिक्स नहीं बोलते। चलो पेन गिर गया, उठाते हैं। तो बता बच्चे यहाँ पे समस्या ये है, ही हैज ऑर्डर्ड ब्रिक्स नहीं होगा बच्चे, ब्रिक होगा, ठीक है ना, यहाँ से एस हटा दो, बी में समस्या है। आगे, फॉर द प्रपोज्ड होटल एंड बार, है ना, होटल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, होटल, होटल नहीं, एच चुप रहता है, होटल, ओ टैल, होटल, होटल एंड बार, चलो समझ गए बात को, सिंपल था। अगला बताएंगे बेटा, ही डज नॉट कट पेपर विद ब्लेड बट विद सीजर, सीजर नहीं होता बच्चे, सीजर्स होता है, कितनी बार होता है, सीजर दो फलक होते हैं, एक फलक दो फलक, जहां पे दो है तो वहां पे प्लूरल आएगा, जैसे चश्मा दो फलक होते हैं, स्पेक्टेकल्स, तो यहाँ पे एस लगा दो, डी में गलती निकाल दो, बढ़ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि बोल रहा है वी पेडल्ड द सीट ऑफ द चेयर विद कैमल हेयर्स, भैया कैमल हेयर्स, तुमको पता है जो बाल होते हैं मेरे बच्चे, बाल, हेयर, हेयर गिने नहीं जा सकते भैया, हेयर जो होते हैं वो गिने नहीं जा सकते, तो भैया हेयर का जो प्लूरल होता है वो नहीं बनता, अनकाउंटेबल नाउन में आता है, तो हेयर सही होता है, इसके साथ एस लगाना गलत है, तो पार्ट सी में हो जाएगी तुम्हारी समस्या। कोई समस्या, परेशानी, गिला, सिकवा, दिक्कत होगी तो बड़े भाई को बताएंगे और समस्या का समाधान पाएंगे। बढ़ जाया जाए आगे, लल्ला लोगों, चलो बताएंगे अगला, देख लो भैया, अ फार्मर वॉज लीडिंग ऑक्सेस, बेटा ऑक्स तुमको पता है, ऑक्स का मतलब होता है बैल, और जब तुम उसका प्लूरल बनाते हो तो क्या बनता है, ऑक्सन, OXEN, बेसिक सी दिक्कत है यहाँ पर भैया, प्लूरल गलत होना है, ऑक्स का ऑक्सेज नहीं होता, ऑक्सेन होता है, ठीक है। जैसे कि वाइफ का प्लूरल क्या होता है, वैसे तुमको जानने की जरूरत नहीं है, तुमको उससे चार शादी करने जा रहे हो, वाइफ का प्लूरल होता है वाइफ्स, WIFES, नहीं बेटा, जब FE होता है लास्ट में तो उसका क्या बन जाता है, WIVES, जैसे कि नाइफ, KNIFE, नाइफ, नाइफ यानी चाकू, KNIFE, इसका प्लूरल क्या बनेगा, KNIFES, नहीं हमने क्या बोला, जब FE आता है तो उसका क्या बन जाता है, VES, तो ये क्या बन जाएगा, KNIVES, knives, चलो बात समझ में आ गई होगी, बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। चलो, दिस डाटा आर, बेटा दिस लगाए, अभी हमने क्या बताया था, अभी जब हम बता रहे थे कि आप क्या बोलोगे, दिस काइंड बोलोगे है ना, और दीज काइंड्स बोलोगे, तो बेटा तुमको क्या दिख रहा है, दिस डाटा, तो बेटा डेटम होता है सिंगुलर, DATUM, हालांकि पेपर में अब नहीं आता है क्योंकि डेटा भी यूज होता है, लेकिन आ सकता है, दिस डेटम इज,
दिस डेटम इज, या तो ये कर दो पहला आउटकम, या तो यहाँ पे दिस की जगह दीज डेटा आर वेरी यूजफुल टू अराइव, ठीक है, या तो दिस कर दो यहाँ पे डेटम इज कर दो, ठीक है, अब दोनों बात एक ही है। कुल मिला के पूरा मामला सिंगुलर में या पूरा मामला प्लूरल में होना चाहिए, ए में समस्या है, चाहे जो तरह से ऐसे कान पकड़ो, चाहे ऐसे करके ऐसे पकड़ लो, बात वही पड़ेगी। चलो पढ़ते हैं आगे मेरे लल्ला लोग। A pair of spectacles have been found on table on in the library. A pair है भैया, pair कितना है? देखो तुमको हमने क्या बताया, preposition जो भी होता है वो क्या लेता है, object लेता है। तो of तुम्हारा क्या है, of है तुम्हारा preposition, of तुम्हारा क्या preposition, preposition क्या लेगा तुरंत के बाद अपने object लेगा, तो object के लिए कभी verb नहीं आएगी, verb आती है subject के लिए, subject क्या है यहाँ पे a pair। अब भैया पेयर जब एक है तो एक के लिए यहाँ पे सिंगुलर आएगी कि प्लूरल आएगी, बेटा पता चला सिंगुलर आएगी तो यहाँ पे हो जाएगा हैज, हैव नहीं आएगा। इतने प्यारे तरीके समझा दिए, कोई समस्या परेशानी, गिला सिकवा, किल्लत, पानी की कमी, खाने की अधिकता, जो भी है भाई को बताएंगे। चलो द हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक एंड स्टोन, बेटा ब्रिक यूज किया है बिल्कुल सही है, स्टोन यूज किया बिल्कुल, नॉट ऑफ मार्बल, ठीक है बिल्कुल सही है, नो एरर करके निकल जाओगे, कोई समस्या नहीं है, आगे बढ़ जाओ। He goes fishing every day. भैया वो फिशिंग करने रोज जाता है, रोज जाके मछलियां ढूंढा करता है। And brings a lot of fishes. बेटा lot of fishes, हमने तुमको क्या बताया, fish, deer, sheep, इनका क्या मामला है भैया, इन तीनों का मामला कुछ ऐसा है कि भैया इनका सिंगुलर बनाओ चाहे प्लूरल बनाओ, ये जस के तस रहते हैं, लेकिन फिश के साथ एक खेल है बेटा तुमको, फिलहाल तो यहाँ पे दिक्कत क्या होगी बता दें, यहाँ पे फिशेज नहीं होगा, क्या हो जाएगा, फिश हो जाएगा, फिश, ठीक है, फिश हो जाएगा, पार्ट बी में हो जाएगी समस्या। अब तुमको एक नई चीज बताते हैं, वैसे तुमको पता भी हो सकती है लेकिन नहीं पता तो जान लो बेटा, फिश के साथ एक अनोखा खेल है फिश, जब आप डिफरेंट काइंड की बात करते हो भैया, कई प्रकार की फिश है ना, कई प्रकार की है ना, जैसे कई प्रकार की में कौन कौन सी हो गए, जैसे रोहू होती है एक है ना, और बस हमको एक ही पता है यार, खाते भी तो है नहीं फिश, एक ही हमारे अड़ोस पड़ोस में बेची जाती है थोड़ा दूर, तो उसी का नाम पता है, रोहू होती है, सैल्मन होती है, ठीक है, कॉड होती है, सैल्मन सबसे महंगी होती है फिश पता है। तो भैया कई प्रकार की हैं, तो फिश के लिए तुम यूज़ कर सकते हो फिशेस, ठीक है, लेकिन वहाँ पे लिखा होना चाहिए मैनी काइंड्स ऑफ फिशेस, तब तो ठीक है, कई प्रकार की, भैया एक वैरायटी ऑफ फिश, दो वैरायटी ऑफ फिश, कई सारी वैरायटी है फिश की, तो भैया फिशेस हो जाएगा, जैसे कि पीपल अपने आप में हमेशा पीपल रहता है, लेकिन जब आप बात करते हो पीपल्स ऑफ इंडिया एंड अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया, जब आप एक देश से ज़्यादा देशों के लोगों की बात करते हो तो पीपल का पीपल्स हो जाता है, उसी तरीके जब आप एक काइंड से ज़्यादा काइंड्स के बारे में बात करते हो तो फिश का फिशेस हो जाता है, लेकिन ये रेयर केसेस में होता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, लेकिन तुम हमारे भाई छोटा भाई बहन हो, तुमको जानना बनता है, लोगों से एक कदम आगे कैसे रहना है वो तुम्हारा भाई जानता है, तुमको रखेगा ना, और बाकी तो फिश का फिश रहेगा ही रहेगा नॉर्मल क्वेश्चन में, क्वेश्चन कभी ऐसा नहीं आएगा इसमें तुमको फिशेस करना पड़े, लेकिन जानकारी के लिए जान लो, हमेशा जब भी फिशेस दिखे हमेशा फिश कर देना, आंख मूंद करके करना कि भैया फिशेस फिश होगा, ठीक है, लेकिन जानकारी के लिए जान लो कि क्या फिशेस संभव है, तो हाँ फिशेस संभव है, तुमको ये बताना था। तो भैया इसमें समस्या किसमें थी, बताया था क्या हमने, बता दिया था, यहाँ पे ये हटा दो, ई एस बी में है समस्या, बढ़ जाएंगे आगे, अगला बताएंगे बच्चे। यू कैन बाई द सीजर्स दैट इज शार्प, अच्छा देखो यहाँ तुमने बोला सीजर्स, सीजर्स तो क्या होती है प्लूरल, तुमको पता है क्यों प्लूरल होती है भैया, उसमें दो फलक होते हैं, एक ऊपर दो चलते हैं ना कतरनी के तरीके, कट 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 कट, तो जब दो होते हैं मेरा लल्ला, तो यहाँ पे सीजर्स के लिए जो तुम रूज कर रहे हो क्या रिलेटिव प्रोनाउन, तो रिलेटिव प्रोनाउन भैया दैट नहीं यूज होगा ना, सीजर्स और ऊपर से दैट चलो चल भी जाएगा, ये सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए यूज होता है, ऊपर से वर्ब देखो कौन सी यूज कर रहे हो सीजर्स के लिए, इज नहीं यूज होगा, आर यूज होगा, कह दो क्यों भैया, तो दिक्कत किस में आ गई, बी में बता रहे सीजर्स क्या है बेटा, सीजर्स तुम्हारी प्लूरल, क्योंकि उसमें दो होते हैं फलक, जब दो फलक होते हैं दैट चलो सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए आ जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन यहाँ पे जो वर्ब यूज की गई इज वर्ब जो है वो सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगी, लेकिन सीजर्स तुम्हारा प्लूरल सब्जेक्ट है, पैंट्स हो गया, सीजर्स हो गया, आर्म्स हो गया, ALMS, आर्म्स माने क्या होता है, आर्म्स माने होता है भिक्षा, जो तुम अपने पापा से मांगा पापा 500 रुपए दे दो पिंकी के साथ घूमने जाना है मूवी दिखानी है, तो भैया भिक्षा मांगने से अच्छा है पढ़ लो अच्छे से, फिर पिंकी को घुमाने ले जाने के लिए पैसा मांगना नहीं पड़ेगा रहेगा, हालांकि पूछना तब भी पड़े घर वालों से, वही सेम दिक्कत बेटा, एक आया था पहला क्वेश्चन था वन ऑफ दी, पहला क्वेश्चन था वन ऑफ दी प्रॉब्लम लिखा हुआ था, वन ऑफ दी क्या लिखा हुआ था, वन ऑफ दी प्रॉब्लम लिखा हुआ था, हमने तुमको क्या बताया था वन ऑफ दी प्रॉब्लम नहीं होगा, वन ऑफ दी प्रॉब्लम्स होगा, क्योंकि एक निकाल रहे हो कई में से, तो वहां पे प्लूरल होगा ना वन ऑफ दी प्रॉब्लम्स, चलो तो वही दिक्कत यहाँ पे वन ऑफ दी स्टेट नहीं वन ऑफ दी स्टेट्स पहले में है समस्या, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन बार बार आया हुआ है, रिपीटेड हो गया तुम्हारे लिए,
लास्ट क्वेश्चन आज का देखेंगे। द स्टॉक वॉज डिवाइडेड अमंग द टू ब्रदर्स। बेटा दो तुमको बताते हैं मजे, हालांकि नाउन का क्वेश्चन नहीं हुआ ये। जब बात करते हो दो की तो तुम बिटवीन का यूज करते हो, है ना, किसका यूज करते हो, बिटवीन का। और जब तुम बात करते हो दो से ज्यादा की तब तुम किसका यूज करते हो, तब तुम यूज करते हो अमंग का, ठीक है। जब तुम दो की बात करते हो तो वहां पे क्या आता है, बिटवीन। और जब तुम दो से ज्यादा की बात करते हो तो वहां पे क्या आता है, अमंग। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे भैया दो दोस्तों में, दो भाइयों में बट रहा है स्टॉक जो है, जितना भी स्टॉक है, मान लो 10,000 करोड़ का स्टॉक है, दो भाइयों में 5,000 करोड़ बट रहा है, तो यहाँ पे अमंग नहीं आएगा। दो भाइयों में बट रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा, बिटवीन। चलो कोई समस्या परेशानी नहीं होगी मेरे बच्चा लोगों को। उसके बाद में भी कुछ है, उसके बाद में बस सकर पकराइब कर लेंगे बच्चा, क्योंकि सकर पकराइब करना इतना जरूरी है आप लोगों के लिए जितना जरूरी है आपके लिए पढ़ाई करना है। सकर पकराइब करोगे तो हमें रोज देख के पाओगे और देखने को मिलेंगे हम, तो हमसे सीखोगे नया नया कुछ। चलो और किसी कोई समस्या परेशानी होगी कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। वही बात बच्चे, मन लगा के पढ़ाई करो, दबा के खेलो। कितनी सिंपल सी बात है यार, तुम्हारे पास 24 घंटे हैं, 24 घंटे बटे 3। अरे चल जा बाबा, चल जा रे बाबा, काय को नहीं मान रहा है भाई, पेन चूज करना पड़ता है, इसके बिना नखड़े हैं पूरे। 24 बटे 3, 8 घंटे 8 घंटे 8 घंटे। अरे भैया 8 घंटे पढ़ लो, पढ़ने में गए 8 घंटे, सो लो, सोने में गए 8 घंटे बचे हैं, उसमें भाई मजे करो, वेब सीरीज देखो, खेलो, चेस खेलो, मम्मी पापा की मदद करो, लोगों से रिश्ते बनाओ, लोगों को जानो। सिर्फ किताबें नहीं पढ़नी है, लोगों को भी पढ़ना है, लोगों के इमोशंस भी पढ़ने, खुद को भी पढ़ना है। ये बहुत सारी चीज़ें जो पढ़नी है, सिर्फ किताबें पढ़ करके सिलेक्शन नहीं होगा। और सिलेक्शन की बात छोड़ो, जिंदगी जीनी है ना मेरे भाई, जिंदगी जीनी है ना, वो क्षमता कहाँ से आएगी जब सिलेक्शन नहीं होगा या कहीं जीवन में कोई कठिनाई आएगी तो क्षमता कहाँ से आएगी, वो क्षमता आएगी खुद को पढ़ने से, लोगों को पढ़ने से। तो भैया तभी बोलते हैं मन लगा के पढ़ाई करो, दबा के खेलो। और तीसरी बात, अपने रिश्ता लोगों से अच्छा रखो, सोशली अडेप्टेबल बनो, खुद को जानो, समाज को जानो। हो गया मेरा ज्ञान खत्म। जय हिंद, मिलते हैं कल।